Hello everyone, video series on most important questions for RPSC assistant engineers में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत जैन आपके सामने आज एपिसोड 13 प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस एपिसोड से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम चार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। वो चार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड सर्विंग। जिन लोगों ने वीडियोस ये वाले देखे नहीं है वो वीडियोस इनके देख सकते हैं, सो दैट कि उनको दिसंबर में एग्ज़ाम जो होने वाला है आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर्स मेंस का, उसके लिए वहाँ से गाइडलाइन मिल सकती है। ठीक है, सो आज जो सब्जेक्ट है हमारे सामने वो है बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। एक्चुअली ये तीन अलग अलग सब्जेक्ट है बट आरपीएससी के सिलेबस में इनको एक ही टॉपिक बना के प्रेजेंट किया हुआ है। इस सब्जेक्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो टॉपिक 01 है यहाँ पे हमने शो कर रहे हैं T01 से, पहले पार्ट के अंदर हम यहाँ पे जो कंटेंट प्रेजेंट करेंगे वो है रॉक, स्टोन, सैंड, ब्रिक, ब्रिक एंड ब्रिक मशीनरी, सोलिंग, लाइम, सीमेंट, मोर्टार, एग्रीगेट एंड कॉन्क्रीट, टिम्बर, पेंट्स एंड वार्निशेस, एसफॉल्ट एंड बिटुमिन, एस्बेस्टस, स्टील एंड प्लास्टिक। इसका मतलब ये होगा कि आज हम जो डिस्कस करेंगे T01 के अंदर एपिसोड 13 में, वो बिल्डिंग मटेरियल्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे मोस्टली। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट जो इसका सेकंड एपिसोड होगा यानी एपिसोड 14 T02 टॉपिक में, वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को, सिंस कि ये सब्जेक्ट आरपीसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है लेकिन अदर एग्जाम्स में काफ़ी वेटेज इस सब्जेक्ट का रहता है, लास्ट टू सेशंस के अंदर आरपीसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से बने नहीं है बट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज भी हम करीब 40-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे T01 के अंदर। और जो T02 यानी एपिसोड 14 होगा कल, उसमें हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सो अभी हम अपने जिस पैटर्न पे बाकी एपिसोड हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, रिलीज़ किए हैं, उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए इस एपिसोड को भी हमने 2, 5 एंड 20 मार्क्स के वेटेज में डिवाइड किया हुआ है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो इस बार आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर्स मेंस के एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बिटुमिन एंड इट्स कंपोजिशन। राइट, बिटुमिन हम सब लोगों को पता है, बिटुमिन इज व्हाट, इट इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है ना। और कंपोजिशन में क्या होता है, सबसे जो मेजर पार्ट रहेगा किसका रहेगा, कार्बन का, ठीक है ना। बट यहाँ हमको सिर्फ इतना पता होने से काम नहीं चलेगा, कार्बन का परसेंटेज कितना रहेगा वो सारी चीज़ हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिटुमिन इज अ ब्लैक और ब्राउन कलर बाइंडिंग मटेरियल प्रेजेंट इन एसफॉल्ट, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है ना। क्रूड ऑयल से ही बेसिकली पेट्रोल बनता है, तो पार्शियल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से बिटुमिन फाइंड आउट होता है। यहाँ पे 3 चीज़ है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन 87%, हाइड्रोजन 11% एंड ऑक्सीजन 2% बाई वेट, जो इसका कंपोजिशन है। तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो ये बनता है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम अप्रोच करते हैं। देखिए, इस पूरे एपिसोड के अंदर या इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, न्यूमेरिकल बहुत ही रेयर है, ठीक, और आते भी बहुत रेयर है एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल। सो मोस्टली हम थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे और थ्योरी को आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान भी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें समझने वाली है, समझ के आपको याद रखनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन याद रखना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं है बट ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, उसके एग्जांपल्स देना है आपको। ये इजी क्वेश्चन है। 3 तरह की रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, जो हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक इज नथिंग, इट इज ए बेसिकली इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक, ठीक, बट उसमें जो है बेसिकली उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इंटेंस प्रेशर और हीट की वजह से, क्योंकि अर्थ के कोर के अंदर या अर्थ के नीचे ये वाला पार्ट दबा हुआ होता है और बहुत सालों के बाद वो वापस आता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या है, एक्शन ऑफ इंटेंस प्रेशर और हीट की वजह से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, किसकी, इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक की। दैट टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हैं, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ठीक है ना, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बट इन्होंने यहाँ 3 पूछा है तो हमने यहाँ पे 3 बता दिया है। नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेड ऑफ बिटुमिन, ठीक है। ग्रेड ऑफ बिटुमिन हम किससे फाइंड आउट करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट से, पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। एक स्टैंडर्ड निडल है बेसिकली, जब 100 ग्राम के बिटुमिन के अंदर उस स्टैंडर्ड निडल को हम बेसिक इंसर्ट करते हैं 5 सेकंड टाइम के लिए, तो जो उसका पेनिट्रेशन होता है, जितना एमएम वो पेनिट्रेट हुई है उसको हम 1/10
से मतलब उसको 10 टाइम से मल्टीप्लाई कर, सपोज वो 8 mm पेनिट्रेट हुई है नीडल 5 सेकंड के टाइम के अंदर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 80 ग्रेड हो गई इस बिटुमिन की। यू कैन से कि अगर जो बिटुमिन की ग्रेड 80 है तो उसमें पेनिट्रेशन कितना होगा, 1/10 mm, 1/10 mm, यानी 8 mm का पेनिट्रेशन होगा, ठीक है ना। देखिए, इट रिप्रेजेंट सॉफ्टनेस और हार्डनेस। अगर बिटुमिन हार्ड होगा तो उसकी ग्रेड कम हो जाएगी, जैसे अगर 30/40 बिटुमिन है तो उसका मतलब पेनिट्रेशन कितना है, 3-4 mm है, तो वो बिटुमिन हार्ड है, सॉफ्ट है तो उसका मतलब 80-100 की रेंज में हो जाएगी, ठीक है ना। बाई मेजरिंग द डेप्थ 1/10 mm टू विच ए स्टैंडर्ड नीडल कैरिंग ए वेट ऑफ 100 ग्राम पेनिट्रेट्स इन 5 सेकेंड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया 5 सेकेंड टाइम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। फॉर फ्लैटी लेट सिंगल ब्रिक सोलिंग व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रेक्स रिक्वायर्ड और नॉमिनल साइज 20/10/10, ठीक है, ये नॉमिनल साइज हो गया 20/10/10 विद 1.2 cm वाइड सीमेंट मोटर ऑल अराउंड विद अलाउइंग अप टू 1% ऑफ वेस्टेज फॉर 15 square meter एरिया। 15 square meter एरिया के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को हमको काउंट करना है, ठीक है ना। 15 meter square का मतलब बेसिकली अगर हम सेंटीमीटर में डिवाइड कर लेंगे तो 15 × 10^4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हम आ गए, डिवाइडेड बाय इसका जो साइज दे रखा है वो 20/10 की दे रखी है ब्रिक का साइज, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गया, ठीक है ना, या डेप्थ यू कैन से। और इसमें प्लास्टर 1.2 cm का तो हमने ऐड कर दिया, हमने इसे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 631। बट ये बोल रहा है कि 1% वेस्टेज भी हो रहा है, तो 1% वेस्टेज हो रहा है, उस 1% को हमको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल ब्रिक हमको कितनी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, 637 फॉर 15 square meter एरिया के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। बहुत स्मॉल न्यूमेरिकल है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5। देखिए, ये फाइनेंस मॉडल इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है, आप लोग आता भी होगा आप लोगों को। इसमें देखिए, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, यानी एफ ए हमको निकालना है, ठीक है। फाइनेंस मॉडुलस हमको दे रखा है ऑफ टू बी विथ कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 6.8 फॉर ऑप्टेनिंग कंबाइंड एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एफ। एफ इक्वल टू 5.4 हमको दिया हुआ है जो कंबाइंड एग्रीगेट्स का है, ठीक है। एफ वन जो हमको बेसिकली दिया हुआ है 2.6 दिया हुआ है यहाँ पे, और एफ टू जो दिया हुआ 6.8 दिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट ऑन कोर्स एग्रीगेट इन कंबाइंड एग्रीगेट्स इक्वल टू, ये होता है, ये वाला फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है। इसके अंदर हमने हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एफ टू की वैल्यू दी हुई है, एफ दिया हुआ है और एफ वन दिया हुआ है, तीनों चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50% हमारे पास फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज आ गया टोटल एग्रीगेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डू वी एंश्योर अबाउट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सैंड। सैंड के अंदर नॉर्मली सैंड क्या होती है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल है, ठीक है। सैंड के अंदर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है या नहीं, कैसे पता लगेगा। एक्चुअली सैंड के अंदर अगर हम कास्टिक सोडा मतलब या सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मिक्स करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वो कलर चेंज की सिग्निफिकेंस है कि जो सैंड के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर है सैंड के अंदर, तो इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को शो कर सकते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इन सैंड, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कास्टिक सोडा इज एडेड टू द सैंड एंड इट इज स्टेन्ड। इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्राउन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। सॉइल का एक सैंड का सॉल्यूशन बना लिया, उसके अंदर NaOH को ऐड किया, अगर कलर चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस को शो कर रहा है। देखिए, ये बहुत अनकॉमन क्वेश्चन है, आपने कहीं नहीं देखा होगा, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हम यहाँ इन वीडियोज़ में जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अनकॉमन है और इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि RPSC में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये 5 साल के बाद एग्जाम हो रहा है, तो आप इससे इजी क्वेश्चन या वेरी कॉमन क्वेश्चन को एक्सपेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन रेजिडुअल बिटुमिन, ठीक है ना। रेजिडुअल बिटुमिन की डेफिनेशन इन्होंने पूछी है। बेसिकली रेजिडुअल बिटुमिन एक तरीके का प्लास्टिक ही होता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ बिटुमिन थिनर एंड सुटेबल फिलर मेड इनटू ए प्लास्टिक फॉर्म। और सिंस कि एक प्लास्टिक फॉर्म की तरह होता है रेजिडुअल बिटुमिन, तो इसको हम लीकेज वगैरह में या जहाँ पे हमको बेसिकली वाटर के सीपेज को रोकना है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छी तरीके एमसील की तरह, राइट, ठीक है। सो एज इट इज़ प्लास्टिक इन नेचर, इट कैन बी यूज फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मैसनरी स्टोव
स्टॉपिंग लीकेज एट्सेट्रा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बिटुमिन। एक ब्लो डाउन बिटुमिन भी होता है, यहाँ रेजिडुअल बिटुमिन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ सैंड व्हेन इट यूज टू मेक मोर्टार। मोर्टार बेसिकली क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस, हम मोर्टार क्या बोलते हैं, मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस सीमेंट। ठीक है ना, और वाटर तो मिलाएंगे। तो ये बोल रहा है कि बेसिकली सैंड का क्या फंक्शन है मोर्टार के अंदर। सैंड का फंक्शन है वो श्रिंकेज को बेसिकली प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव श्रिंकेज ऑफ द मोर्टार। श्रिंकेज ज़्यादा हो से क्या होगा, क्रैक डेवलप होंगे, एंड हैंस क्रैकिंग ऑफ मोर्टार ड्यूरिंग सेटिंग इज अवॉइडेड। ठीक है ना, तो श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, इसीलिए हम सैंड को मिक्स करते हैं मोर्टार के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि सैंड को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स करना है, जो प्रपोर्शन आपको गिवन है उसी प्रपोर्शन के अंदर मिक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस फॉर स्टोन्स। ठीक है ना, कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस एक टर्म है बेसिकली, जो किससे किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो एग्रीगेट्स को हम एग्रीगेट्स बेसिकली हम हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए दो तीन एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक उसमें से एक डेवल एट्रिशन टेस्ट है, एक डॉरी है, एक लॉस एंजलस है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉरी एब्रेजन टेस्ट की। डॉरी एब्रेजन टेस्ट के अंदर जितना लॉस ऑफ एग्रीगेट होता है वो हार्डनेस के टर्म में डिफाइन होता है। ठीक है, देखिए, कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस फॉर स्टोन्स इज डिपेंड ऑन लॉस ऑफ वेट ड्यूरिंग हार्डनेस टेस्ट कंडक्टेड इन डॉरीज हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। ठीक है ना, उस मशीन के अंदर क्या है, बेसिकली 100 रिवोल्यूशन देते हैं 28 RPM स्पीड के ऊपर। कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस को हम यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा एक स्टेटमेंट दे दिया है, आप चाहे तो इस चीज़ को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है, इट इज़ 20 माइनस लॉस इन वेट ड्यूरिंग हार्डनेस टेस्ट इन ग्राम्स अपॉन 3। राइट, लॉस इन वेट जैसे अगर आपका मान लो 18 ग्राम है, तो आपका कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस कितना आएगा, 20 माइनस 18 बाई 3 इट मीन्स 6 हो गया 40। ओके, सो इस तरह से हम कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम इन ब्रिक अर्थ इज डिजायरेबल, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लाइम इन ब्रिक अर्थ। ठीक है, ब्रिक अर्थ मतलब ब्रिक की बात कर रहे हैं। लाइम अगेन वही है कि श्रिंकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लाइम को यूज़ करते हैं ब्रिक के। ब्रिक का जो बेसिकली कंपोजिशन होता है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूंट का होता है सिलिका होता है, बट सिलिका के साथ साथ लाइम मैग्नीशिया वगैरह भी हम मिक्स करते हैं, एलुमिना भी करते हैं। ठीक है, तो लाइम का क्या फंक्शन होता है, वो श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, मेन फंक्शन ये है। तो पहला फंक्शन है रिड्यूसेस श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, दूसरा हेल्प टू बाइंड दिस सिलिका। ठीक है, लाइम क्योंकि लाइम की प्रॉपर्टी जो होती है वो सीमेंट की जैसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम लाइम का भी मोर्टार बनाते हैं, सीमेंट का भी मोर्टार बनाते हैं। तो लाइम भी वही फंक्शन करता है ऑलमोस्ट जो सीमेंट करता है, तो सिलिका के साथ बाइंड करता है। ठीक है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड द लोअर द फ्यूजन पॉइंट्स व्हेन लाइम इज इन कार्बोनेटेड फॉर्म। ठीक है ना, कार्बोनेटेड फॉर्म का मतलब क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन फॉलोइंग इन व्यू ऑफ ब्रिक मैसनरी। दो टर्म यहाँ पे पूछिए, क्विन क्लोजर एंड मेटर्ड क्लोजर। ठीक है, क्विन क्लोजर बेसिकली क्या होता है कि एक पोर्शन है ब्रिक का, अगर ब्रिक को हम लेंथ वाइज कट कर देते हैं तो। ठीक है, देखिए, क्विन क्लोजर इट इज ए पोर्शन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ए ब्रिक लेंथ वाइज इंटू टू पोर्शन, यानी हाफ कर देते हैं लेंथ वाइज, दैट पोर्शन इज कॉल्ड क्विन क्लोजर। और मेटर्ड क्लोजर क्या होता है, बेसिकली इट इज ए पोर्शन ऑफ ब्रिक हुज वन एंड इज कट स्प्लिट एट एंगल ऑफ 45 to 60 degree फॉर फुल विड्थ। विड्थ के रेशो में यानी फुल विड्थ पर उसका एक पार्ट हमने कट कर दिया ट्रायंगुलर शेप के अंदर, और किस एंगल पे, 45 to 60 degree के एंगल पे, दैट पोर्शन इज कॉल्ड बेसिकली मेटर्ड क्लोज। ठीक है ना, तो वन इज क्विन क्लोजर, सेकेंड इज मेटर्ड क्लोजर। सो दोनों टर्म हमको ध्यान रखनी है, एक किंग क्लोजर भी होता है। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये दो टर्म पूछी गई है और हमको एग्जाम के हिसाब से चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 11 क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने 2 marks में, व्हाट इज स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम मतलब क्या होता है, बेसिकली क्विक लाइम होता है CaO प्लस उसके H2O के साथ रिएक्शन जब हम करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दिस लाइम इज कॉल्ड हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, और स्लैक लाइम। ठीक है ना, देखिए, इन ए फर्नेस लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है, CaCO3। बेसिकली जो CaO है वो किससे बनता है, हमको CaCO3 कन्वर्ट होता है CaO यानी क्विक लाइम प्लस CO2 के अंदर। ठीक है, तो CaO यहाँ से मिल गया,
वाइट कलर का क्विक लाइम हमारे पास, जब इसके अंदर वाटर ऐड किया जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी है, तो इट कन्वर्ट इन स्लैक लाइम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग। ठीक है, देखिए रिएक्शन यहाँ पे भी नीचे शो कर रही हुई है। क्विक लाइम हमको कहाँ से मिला, कैल्शियम लाइम स्टोन से मिला, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से। उसके उस वो CaO CO2 में कन्वर्ट होता है एट सर्टेन टेम्परेचर पे। तो CA, फिर जो CaO बनता है क्विक लाइम वो वाइट कलर का होता है, फर्दर रिएक्शन करता है वाटर से तो कन्वर्ट कर देता है इसको हाइड्रेटेड लाइम और स्लैक लाइम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन फ्रॉग। बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत बार अलग अलग तरह के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फ्रॉग का होता है बेसिकली जो ब्रिक होता है, ब्रिक के ऊपर एक छोटा सा डिप्रेशन पोर्शन होता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड फ्रॉग। नॉर्मली ये पोर्शन का यूज़ क्या होता है, जो जब हम मैसनरी वर्क कर रहे हैं तो जो मोर्टार ब्रिक के ऊपर अप्लाई करके उसके ऊपर एक दूसरे ब्रिक की हम पोजिशन देंगे, तो हम वो ब्रिक, दो ब्रिक को अच्छी तरह से बाइंड करने के काम आता है। ठीक है ना, वो डिप्रेशन वाले पोर्शन के अंदर, क्योंकि सीमेंट अच्छे से फिल हो जाती है, सो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। देखिए, इट इज़ ए डिप्रेशन मेड ऑन द फेस ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग मोल्डिंग, इट क्रिएट्स एक्स्ट्रा एक्सेस फॉर द मोर्टार टू मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है ना, इट ऑल्सो रिड्यूसेज द वेट ऑफ ब्रिक, क्योंकि इतना पोर्शन डिप्रेशन में चला गया, वहाँ पे कोई मास आया नहीं है, तो वेट भी रिड्यूस करता है, राइट right? तो ये दो चीज़ फ्रॉग के पॉजिटिव पॉइंट है कि वो बॉन्डिंग अच्छी बनाता है बिटवीन टू ब्रिक्स के बीच में, क्योंकि मोर्टार अच्छे से फिल हो सकता है, और दूसरा क्या है, वेट को रिड्यूस करता है ब्रिक के। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ड बाय व्हीकल एज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेंट्स, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल। व्हीकल मतलब जैसे नट ऑयल हो गया। व्हीकल क्या होता है कि पेंट के अंदर व्हीकल को मिक्स करने का पर्पज ये होता है कि सो दैट कि उसको विस्कोसिटी को इतना प्रॉपर वे में या ऑप्टिमम वे में हम ऑप्टेन कर ले, जब हम उसको ले करेंगे किसी भी वॉल के ऊपर या किसी भी डोर के ऊपर या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो इवनली वो या और स्मूथली वो स्प्रेड हो पाए। ठीक है, तो व्हीकल इस तरह का एक एलिमेंट होता है, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूंट होता है। तो व्हीकल मतलब एक तरह नट ऑयल हो गया, पॉपी ऑयल हो गया, सब व्हीकल है। ठीक है, देखिए, व्हीकल एक्ट एज अ बाइंडर फॉर सॉलिड इन्ग्रीडियंट ऑफ द पेंट एंड इम्पार्ट एडहेसिव प्रॉपर्टी टू पेंट, इट हेल्प्स टू इन्ग्रीडियंट टू स्प्रेड इवनली ओवर द सर्फेस टू बी पेंटेड। ठीक है, जैसा अभी मैंने बोला एग्जाम्पल, देखिए पॉपी ऑयल, नट ऑयल, लिंस ऑयल, ये सब एग्जाम्पल है व्हीकल के। ठीक है, तो व्हीकल इसीलिए पेंट के अंदर मिलाना जरूरी है। क्वेश्चन 14 हो गया, क्वेश्चन 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एस्बेस्टस एज बिल्डिंग मटेरियल। एस्बेस्टस बेसिकली क्या होता है, वाटर प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग इसी के लिए यूज होता है, और फायर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ऑल्सो नेम 3 कॉमन टाइप ऑफ एस्बेस्टस। ओके, देखते हैं एस्बेस्टस किस में काम आता है, एज ए रूफिंग मटेरियल काम आ रहा है, फाइबर सीमेंट बोर्ड, इंसुलेशन इन बिल्डिंग, इंसुलेशन इन ऑल पर्पजेज। ठीक है ना, फायर से भी है, हीट से भी है, वाटर से भी है, उन सब के लिए यूज आ रहा है। 3 कॉमन टाइप के एस्बेस्टस प्रेजेंट है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के फॉर्म में। 1 इज क्रिसोटाइल एस्बेस्टस, सेकेंड इज ए एमोसाइट एस्बेस्टस, एंड थर्ड इज ए एंथोफाइलाइट एस्बेस्टस। देखिए, इनकी डिटेल हमको नहीं पढ़नी है तीनों एस्बेस्टस की, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बट नाम जरूर याद रखना है। ठीक है ना, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में ही आएगा। ओके, सो ये मत समझिए कि मैंने यहाँ डिटेल नहीं दी तो आपको डिटेल पढ़नी है, डिटेल नहीं पढ़नी है, तीनों टाइप के एस्बेस्टस के नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16, राइट ब्रीफली अबाउट TMT बार। ठीक है, TMT बार कुछ नहीं होता, जब क्विंचिंग का टाइम होता है, जो बार मतलब बेसिकली एक सरिया। ठीक है ना, जो रेड हॉट मतलब इसको बोलते हैं बहुत गर्म। ठीक है ना, रेड हॉट बार है जो क्विंचिंग के टाइम के ऊपर उसकी क्विंचिंग कर, उस पर वाटर का स्प्रे कर देता है तो जो बार प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड TMT बार। देखिए, सडन क्विंचिंग ऑफ रेड हॉट स्टील बार बाई स्प्रे ऑफ वाटर। ठीक है ना, हम क्विंचिंग कर रहे हैं बेसिकली स्प्रे ऑफ वाटर से रेड हॉट स्टील बार्स। ठीक है ना, स्टील बार विद हाई स्ट्रेंथ एट द सरफेस विद द कोर ऑफ हॉट माइल्ड स्टील, और इसका एलोंगेशन बेसिकली जो परसेंटेज होता है वो भी बहुत हाई होता है। देखिए, दिस प्रोसेस रेज कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ बार टू यील्ड पॉइंट ऑफ स्टील विद हाई परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन। स्टील में से क्वेश्चन लिया गया है, ये स्टील जो बिल्डिंग मटेरियल है, क्विंचिंग के टाइम पे हम जो बेसिकली स्प्रे कर रहे हैं वाटर का रेड हॉट बार के ऊपर, तो दैट प्रोसेस से जो कन्वर्ट हो रहा है बार, इट इज कॉल्ड TMT बार। इसकी वजह से क्या, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और परसेंटेज एलोंगेशन इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
डिफाइन मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट सिंपली दो चीज़ से रिलेटेड है जो कि कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को के लिए प्रोमिनेंट है, ठीक है ना। दो चीज़ क्या है मैं अगर आपसे पूछूँ तो, एक तो टाइम, ठीक है, और दूसरा है टेम्परेचर। ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, टाइम का मतलब क्या होता है, वैसे क्यूरिंग का टाइम, ठीक है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड ऑन बोथ पीरियड ऑफ क्यूरिंग एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग क्यूरिंग, ठीक है ना। उसी से स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ पीरियड इंटू टेम्परेचर, यानी डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर इंटू डेज, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट, राइट। तो मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू पीरियड ऑफ क्यूरिंग, पीरियड ऑफ क्यूरिंग मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर ऑफ क्यूरिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट, जो बेसिकली स्ट्रेंथ को गवर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ट्री। देखिए हार्डवुड और सैफवुड दो टर्म है। हार्डवुड बेसिकली जो सैफवुड है वो रिसेंट ग्रोथ ऑफ ट्री बताती है, हार्डवुड जो है उस पार्ट को शो नहीं करती है। देखिए हार्डवुड क्या है बेसिकली, इट इज़ ए इनर एनुलर रिंग्स सराउंडिंग द पिथ, कॉन्स्टिट्यूट डार्क कलर ऑफ हार्डवुड, इट डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री, ठीक है ना। इसका कोई एक्टिव पार्ट नहीं है, जबकि सैपवुड क्या है वो रीसेंट ग्रोथ को बताती है। ये दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। सैपवुड क्या है, आउटर एनुअल रिंग्स बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर, ठीक, कैम्बियम लेयर और हार्डवुड के बीच में जो है बेसिकली एनुअल रिंग, दैट इज कॉल्ड सैपवुड। और हार्डवुड किसको बोलते हैं, इनर एनुअलर रिंग्स होती है जो बेसिकली पिथ के चारों तरफ होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन 19, व्हाट इज सर एबल्स प्रोसेस, ठीक है ना। सर एबल्स प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, सर एबल प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, उस प्रोसेस से टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाते हैं, टू मेक टिम्बर फायर रेजिस्टेंट। फॉर दिस सरफेस ऑफ टिम्बर इज पेंटेड बाय अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्लैक्ट लाइम सॉल्यूशन, यानी हम बेसिकली दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, पहले CaOH होल्टोइस की एप्लीकेशन करते हैं टिम्बर के ऊपर, उसके बाद हम सोडियम सिलिकेट की एप्लीकेशन करते हैं, इससे क्या होता है टिम्बर फायर रेजिस्टेंट बन जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सर एबल प्रोसेस, ठीक है। एक तो सर आपने टिम्बर में पढ़ा हुआ है, एक तो सर एबल प्रोसेस है, एक आस्कू ट्रीटमेंट होता है, आस्कू ट्रीटमेंट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सर एबल प्रोसेस के अंदर हम टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट कर रहे हैं। 2 marks का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब वीनियर एंड प्लाईवुड। नाम से क्लियर है वीनियर मतलब कि बहुत थिन, और बहुत सारे वीनियर्स को मिलाने के बाद जो एक सर्टेन डेप्थ की एक शीट बनती है, दैट शीट इज कॉल्ड प्लाईवुड, ठीक है। देखिए वीनियर इज अ थिन शीट ऑफ वुड जिसकी थिकनेस 0.4 से 0.6 mm और इन एनी केस 1 mm से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और जबकि प्लाईवुड क्या है, इट इज़ ए वुड पैनल ग्लूड अंडर प्रेशर फॉर फ्रॉम एन ऑड नंबर 3 to 13 ऑफ वीनियर्स, यानी बहुत सारे वीनियर्स को मिला के एक प्लाईवुड बनता है और वीनियर बहुत थिन है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोली है कि ऑड, नॉर्मली जब हम प्लाईवुड बनाते हैं तो ऑड नंबर ऑफ वीनियर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी और एग्जाम में भी ज़रूरी हो सकती है ये चीज़। सो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए, वो सारे क्वेश्चन 2 marks कैटेगरी के हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर एंट्री करते हैं, दैट इज 5 marks कैटेगरी क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टली डिस्क्राइब अबाउट ग्रेड ऑफ रोटर, ठीक है ना, रोटर एंड इन विच कंडीशन एंड वेयर दे मे बी यूज्ड, ठीक है। ग्रेड ऑफ रोटर बेसिकली एक ही पॉइंट के ऊपर डिविजन है उनका, विस्कोसिटी, ठीक है ना। जैसे हम कटबैक बिटुमेन बनाते हैं इसी तरह से रोटर के अलग अलग ग्रेड होती है। विस्कोसिटी से क्या होता है कि जैसे अगर मान लो आप कहते हैं कि बहुत कोल्ड रीजन है, तो वहाँ कोल्ड रीजन के अंदर हम इस तरह का जो टार है वो अप्लाई नहीं कर सकते रोड सर्फेसिस के ऊपर, जिसकी विस्कोसिटी बेसिकली, या जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ठीक है ना। जो हार्ड होगा बेसिकली उसी को हम वहाँ पर, जैसे मान लो आपने हॉट वेदर, ठीक है ना, हॉट वेदर के अंदर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ठंड की वजह से वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस है, ठीक है ना। देखिए ग्रेड ऑफ रोटर के बात करते हैं, यहाँ पे 5 grade है, RT1, ठीक है,
दूसरा है RT2, RT3, RT4, RT मतलब रोटर, RT1 बेसिकली इट इज़ अप्लाइड अंडर एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर कंडीशन एंड यूज फॉर सरफेस पेंटिंग ऑन हिल रोड्स एट वेरी हाई एलिवेशन। ठीक है, कोल्ड वेदर कंडीशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, RT2 बेसिकली क्या है, इट इज़ अप्लाइड अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड यूज फॉर स्टैंडर्ड सर्फेस पेंटिंग। RT3 इट इज़ यूज फॉर सर्फेस पेंटिंग एंड रिन्यूअल कोट, इट मे ऑल्सो भी यूज फॉर प्री मिक्सिंग ऑफ चिप्स एंड टॉप कोर्सेज। RT4 है फॉर मेकिंग प्री मिक्सिंग टार मैकेडम एट बेस कोर्स। RT5 इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ग्राउटिंग पर्पज। ग्राउटिंग क्या होता है, जो होल्स वगैरह होते हैं वॉल के अंदर उसको फिलअप करने के लिए। ठीक है ना, नॉर्मली हम बोलते हैं इसको कॉन्क्रीट गन से फिल करते हैं, उसको हम ग्राउटिंग बोल रहे हैं। ठीक, ग्राउटिंग के लिए, और यहाँ पे जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 है, ये बेसिकली क्या विस्कोसिटी को डिफाइन करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पहले बोला था, एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर है तो हमको बिटुमिन या यू कैन से टार की कैसी ग्रेड चाहिए होगी, हार्ड चाहिए होगी, सॉफ्ट चाहिए होगी, है ना। इट शुड बी, अगर हम बहुत ज़्यादा हम बात कर रहे हैं बेसिकली कोल्ड रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमको सॉफ्ट चाहिए होगी। जैसे आप यहाँ राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होता है, हीट होता है तो क्या है कि अगर सॉफ्ट बिटुमिन या टार की हम एप्लीकेशन करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। जो वन है बेसिकली वो विस्कोसिटी कम को शो करता है और फाइव है जो विस्कोसिटी ज़्यादा को शो करता है। ठीक है ना, इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रोड टार की ग्रेड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसे हम कटबैक बिटुमिन को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से रोड टार को डिफाइन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 मार्क्स में सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट सुर्खी। ठीक है, सुर्खी एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सैंड। ठीक है, यहाँ इन्होंने खुद नहीं बोल दिया ये सब्स्टिट्यूट है सैंड का, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है, पोजोलैनिक एक्शन होता है, उस एक्शन की वजह से सुर्खी 100% सैंड का सब्स्टिट्यूट है। और साथ ही साथ में ये दो चीज़ें यानी स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोलिसिटी को इम्पार्ट करता है। ठीक है, दो चीज़ें इसमें एडिशनल होती है जो सैंड में नहीं है, तो इसलिए ये बेटर है। ठीक, देखिए, सुर्खी इज़ ए आर्टिफिशियल पोजोलैनिक मटीरियल यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सैंड फॉर कॉन्क्रीट एंड मोर्टार एंड हैज ऑलमोस्ट द सेम फंक्शन एज ऑफ सैंड, बट इट ऑल्सो इम्पार्ट सम स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोलिसिटी, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है ना, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सुर्खी इज़ मेड बाय ग्राइंडिंग टू पाउडर बर्नड ब्रिक, ब्रिक बैट्स और बर्नड क्ले, बट इसको ओवर बर्नड और या अंडर बर्नड ब्रिक के पाउडर से नहीं बनाते, शुड नॉट बी यूज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज क्वेरिंग ऑफ स्टोन। क्वेरिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, रॉक के अंदर से स्टोन को निकालना। उसके कई तरह के मेथड हो सकते हैं, उसमें जो पॉपुलर मेथड है वो है ब्लास्टिंग मेथड। तो इन्होंने पूछा कि ब्लास्टिंग मेथड को आप डिस्क्राइब भी कीजिए, उसके बारे में बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक पैड, जैसा मैंने अभी बताया, इट इज़ कॉल्ड क्वेरिंग। 5 मेथड्स होते हैं। 1 मेथड है एक्सकेवेशन, वेजिंग, हीटिंग, चैनलाइजिंग मशीन। चैनलाइजिंग मशीन बहुत पॉपुलर है क्योंकि मशीन से ही हो जाता है सारा काम, एंड ब्लास्टिंग। अब हमको ब्लास्टिंग को डिस्क्राइब करना है कि ब्लास्टिंग मेथड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं क्वेरिंग के लिए। देखिए, इन दिस मेथड एक्सप्लोजिव सच एज ब्लास्टिंग पाउडर, डायनामाइट आर यूज टू कन्वर्ट हार्ड एंड फिशरलेस रॉक इन टू स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स इन दी फॉलोइंग 4 स्टेप। 4 स्टेप कौन कौन से है, पहला स्टेप है बोरिंग, सबसे पहले होल्स ड्रिल करते हैं रॉक के अंदर। दूसरा स्टेप है चार्जिंग, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है बेसिकली ब्लास्टिंग अमाउंट है उसको हम प्लेस करते हैं उन होल्स के अंदर, होल बनाते हैं उसके अंदर चार्जिंग अमाउंट को प्लेस कर दिया। टैम्पिंग, ए प्राइमिंग नीडल हैविंग गन पाउडर इज प्लेस इन दी होल एंड अनदर एंड इज अटैच विद द फ्यूज। ठीक है ना, हमने टैम्पिंग कर दिया, एक नीडल डाल दी, इसको एक एंड फ्यूज से कनेक्ट कर दिया। फिर फायरिंग, जो फ्यूज जो हमने अटैच किया है फ्यूज के अंदर हमने फायर कर दिया, तो ब्लास्टिंग पाउडर इज इग्नाइटेड बाई मीन्स ऑफ ए फ्यूज। तो बेसिकली ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होने के बाद वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेज के अंदर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टोन। ठीक है, तो क्वेरिंग बेसिकली हमने ब्लास्टिंग मेथड से हमने क्वेरिंग को अचीव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एसफॉल्ट, मास्टिक एसफॉल्ट एंड कटबैक एसफॉल्ट। ठीक है, एसफॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए, मास्टिक एसफॉल्ट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। ऑन हीटिंग द नेचुरल एसफॉल्ट सैंड एंड मिनरल फिलर्स मास्टिक एसफॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, विच इज़ ए वॉइडलेस इम्परवियबल मास
The hardness and melting point of mastic asphalt can be controlled during its manufacturing. It may either be used or either be solid or semi-solid, but when heated to a suitable temperature, it can be sufficiently fluid. ठीक है ना, जबकि कटबैक एसफॉल्ट जो होता है ना वो लिक्विड ही होता है. ठीक है, सो एज टू एबल टू स्प्रेड बाई ए हैंड फ्लूड. नॉर्मली इट इज यूज फॉर मटेरियल फॉर डैम्प प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग. एसफॉल्ट नॉर्मली हम डैम्प प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं. कटबैक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन रोड टायर में भी बताया था, कटबैक का मतलब होता है विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देना, कट कर देना. ठीक है ना, सो विस्कोसिटी रिड्यूस का मतलब वो बेसिकली क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा. तो कटबैक एसफॉल्ट लिक्विड होता है, इट इज अ लिक्विड एसफॉल्ट. सेकेंड वाला हम डिस्कस कर रहे हैं बी पॉइंट, प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग एसफॉल्ट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट. वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर क्यों डिजॉल्व करते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी को हमको रिड्यूस करना है. ठीक है, कटबैक बिटुमिनियम ऐसे बनाते हैं, रोटार भी ऐसे बनाते हैं. इट मे बी अप्लाइड एट नॉर्मल टेम्परेचर इन कोल्ड क्लाइमेट. इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग बिटुमिनस पेंट फॉर रिपेयरिंग रूफ एटसेट्रा. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमको पे शॉर्ट नोट हमको लिखना है. ये हो सकता है कि क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने 5 मार्क का पूछा है, हो सकता है 2-2 मार्क के अंदर इस क्वेश्चन को दे दे अलग अलग. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के ऊपर आते हैं, 5 मार्क्स में. देखिए न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट किलोग्राम में निकालना है रिक्वायर्ड फॉर 12 mm थिक प्लास्टर विद 1:6 सीमेंट मोर्टार ऑन 50 m² ब्रिक वॉल. 1:6 का मतलब क्या हो गया, सीमेंट और सैंड का रेशियो हमको दे दिया मोर्टार के अंदर. वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार 50 m² आपको दिया हुआ है ब्रिक का एरिया वॉल का, 12 mm का प्लास्टर की थिकनेस दी हुई, तो हमने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब में निकाल लिया. जो ड्राई वॉल्यूम होगा बेसिकली वो 30% हम ज़्यादा लेते हैं, ये कोडल प्रोविज़न है. ठीक है ना, और यू कैन से प्रैक्टिस प्रोविजन है, तो हम 30% ज़्यादा लेते हैं. 30% ज़्यादा कर दिया हमने ड्राई मोर्टार, तो ये हमारे पास आ गया. अब सीमेंट और सैंड के अंदर से सीमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, तो 1/7 मल्टीप्लाई 0.78, तो 0.111 मीटर क्यूब हो जाएगा. अब सिंस कि हमको पता है कि जो एक बैग सीमेंट के अंदर, वन बैग सीमेंट इक्वल टू 0.0347 मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम. ठीक है, तो 0.0347 से डिवाइड कर दिया तो टोटल बैग आ गया यहाँ पर 3.198, और एक बैग के अंदर 50 किलोग्राम सीमेंट आती है, तो 160 किलोग्राम के आसपास हमारे पास टोटल सीमेंट की रिक्वायरमेंट आ गई. सिंस कि क्वेश्चन के अंदर आंसर जो सीमेंट का पूछा है किलोग्राम में पूछा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 किलोग्राम से, अदरवाइज हम बैग में छोड़ भी सकते थे आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, एक्सप्लेन फॉलोइंग डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ. ठीक है, जैसे एफ्रोसेंस बोल रहे हैं बेसिकली, वो क्या होता है कि जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर के अंदर सॉल्ट होता है, सॉल्ट की वजह से ब्रिक की सरफेस के ऊपर वाइट पैचेस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एफ्रोसेंस. ठीक है, देख लेते हैं. एफ्रोसेंस ब्रिक्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एब्जॉर्ब वाटर विच ड्राइज आउट बाई एवोपरेशन फ्रॉम एक्सपोज फेसेज एंड इट डज सो सॉल्युबल सॉल्ट इट कंटेन क्रिस्टलाइज आउट ऑन द सर्फेस. ऑन ड्राइंग ग्रे और वाइट पाउडर पैचेस अपीयर्स ऑन द सर्फेस, जैसा मैंने आपको अभी बताया. शेव्स क्या होता है बेसिकली, सेकेंड डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक्स कॉज्ड बाई रेन वाटर. अच्छा, रेन वाटर जब हॉट ब्रिक्स है उसी के ऊपर रेन वाटर फॉल हो गया है, तो जो शेप के अंदर डिफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड शेव्स. ठीक है, ये दो हो गए. सी है ब्लैक कोर, व्हेन ब्रिक क्ले कंटेन बिटुमिनस मैटर, जिससे हम बेसिकली ब्रिक बना रहे हैं उसके अंदर कुछ बिटुमिनस मैटर भी है, और क्योंकि बिटुमिनस के अंदर कार्बन होता है या कोई और दूसरा कार्बन मैटर है, तो दे आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाई ऑक्सीडेशन. ठीक है ना, द ब्रिक और वो ऑक्सीडेशन रिमूव नहीं हो रहा है, तो ब्रिक जो बनती है उसके अंदर ब्लैक कोर मेनली बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर बर्निंग. ठीक है ना, तो हम ब्लैक कोर ब्रिक किसको बोल रहे हैं या डिफेक्ट किसको बोल रहे हैं, जब हम ब्रिक बना रहे हैं क्ले से तो उसके अंदर कुछ कार्बन मटेरियल मिक्स है जो कि ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया पूरा, इस वजह से जो डिफेक्ट रह जाएगा दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड ब्लैक कोर. ठीक है ना, थोड़ा सा अनकॉमन है, आपको याद रखना पड़ेगा. क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब फॉलोइंग, गेज मोर्टार है एक ग्रेड्स ऑफ मोर्टार, जैसे हम ग्रेड्स ऑफ सीमेंट पढ़ते हैं ऐसे ग्रेड्स ऑफ मोर्टार भी होता है. गेज मोर्टार बेसिकली क्या होता है कि जो लाइन मोर्टार होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसके अंदर सीमेंट को मिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड गेज मोर्टार. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइन मोर्टार एंड टू अचीव अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट इज समटाइम्स एडेड टू इट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गेजिंग.
ठीक है ना। इससे क्या होगा, स्ट्रांग बनेगा जो मोर्टार है, डेंस बनेगा, इकोनॉमिकल बनेगा। ग्रेड ऑफ मोर्टार क्या है, मोर्टार ग्रेड्स आर क्लासिफाई ऑन बेसिस ऑफ दियर 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने सीमेंट को क्लासिफाई किया था, यहाँ पे तीन कैटेगरी, एक तो हाई ग्रेड मोर्टार है, एक मीडियम ग्रेड मोर्टार है, एक लो ग्रेड है। हाई ग्रेड के अंदर दो कैटेगरी है, H1 और H2। H1 उसको बोलते हैं जहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा है। H2 ग्रेड इससे लो ग्रेड होती है, जिसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 5 से 7.5 के बीच में। मीडियम ग्रेड में तीन कैटेगरी है, M1, M2, M3। M1 वो है जिसमें 3 से 5 न्यूटन पर mm² की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, M2 में 2 से 3 है, और M3 के अंदर 1.5 से 2 है। तो ठीक है ना, लो ग्रेड में दो कैटेगरी है, L1, L2। L2 वो है जिसमें 0.7 से 1.5 है, और L1 0.5 से 7 है। तो सभी एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है ना, लिंक में है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, हाई ग्रेड मोटार में दो कैटेगरी H1 H2, मीडियम में 3 M1 M2 M3, लो ग्रेड में 2 L1 और L2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह का क्वेश्चन आरपीएससी में पहले भी आ चुका है, इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड को कंपेयर करना है, ठीक है ना। इंग्लिश बॉन्ड में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो स्ट्रांग होता है फ्लेमिश से, बट फ्लेमिश की जो अपेरेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉगर देन फ्लेमिश बॉन्ड और वॉल थिकर देन 1.5 ब्रिक, ठीक है ना। फ्लेमिश बॉन्ड गिव बेटर अपेरेंस, जो मैंने अभी बताया। ब्रोकन ब्रिक्स मे बी यूज इन द फॉर्म ऑफ बैट इन फ्लेमिश बॉन्ड, बट मोर मोर्टार इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन विद फ्लेमिश बॉन्ड रिक्वायर ग्रेटर स्किल इन कंपैरिजन टू इंग्लिश बॉन्ड। आप इसके अलावा और भी कंपैरिजन है वो लिख सकते हैं, बट वर्ड लिमिट जो है 50-80 के रेंज में ही रखिएगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्टिमम आंसर के लिए। हाँ, अगर SSC JEE में अगर आता है तो आप इसमें 5 और लिख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है हम RPSC के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 8 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 जो आ रहा है 5 मार्क्स में, वो पेंट के ऊपर है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनेमल पेंट। ठीक है, देखिए, दिस पेंट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड ग्राउंड विद ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड मिक्स विद पेट्रोलियम स्पिरिट। तीन चीज हो गई, मेटेलिक ऑक्साइड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम स्पिरिट होल्डिंग रेजिनस मेटल इन सॉल्यूशन। दिस पेंट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट ड्राइव स्लोली बट ऑन ड्राइंग इट प्रोड्यूसेज वेरी हार्ड इम्परवियस ग्लॉसी इलास्टिक स्मूथ एंड ड्यूरेबल फिल्म ओवर द सरफेस। जो इसकी सरफेस होती है बहुत स्मूथ होगी, ग्लॉसी सरफेस होगी। इनेमल पेंटेड सरफेस नॉट अफेक्टेड बाई हॉट एंड कोल्ड वाटर, स्टीम, एसिड, एल्कलीज। बढ़िया हो गया है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस पेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो एंड लीव्स नो ब्रश मार्क्स लाइक अदर पेंट्स। तीनों बढ़िया प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम इनेमल पॉइंट को नॉर्मली यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको प्रीमियम टाइप की पेंटिंग करनी है। प्रीमियम मतलब, क्योंकि इनेमल पेंट का जो, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट क्या, कॉस्टली बहुत है। तो कॉस्टली बहुत है तो जहाँ पे हमको किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए यूज़ करना है वहाँ पर ही हम यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 है, शेप ऑफ एग्रीगेट इन्फ्लुएंसेस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस जस्टिफाई वाई एंगुलर शेप एग्रीगेट आर मोर प्रेफरेबल देन स्मूथ राउंडेड शेप एग्रीगेट। बहुत सिंपल सा आंसर है कि एंगुलर शेप एग्रीगेट जो होते हैं उनका स्पेसिफिक सरफेस ज़्यादा होता है स्मूथ राउंडेड से, स्पेसिफिक सरफेस ज़्यादा होने से उनकी जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, देखते हैं, बट हमको 5 मार्क में लिखना है तो अच्छे से लिखना होगा। जनरली एंगुलर एग्रीगेट्स हैव रफ टेक्स्चर एंड राउंड एग्रीगेट ऑफ स्मूथ टेक्स्चर। द रफ टेक्स्चर एंगुलर एग्रीगेट्स हैव हायर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, राइट, ड्यू टू विच दे शो हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसा मैंने आपको बोला, विद सीमेंट पेस्ट एंड देन राउंडेड एग्रीगेट्स। ऑल्सो फॉर वाटर सीमेंट रेशियो बिलो 0.4, ये रिसर्च बोलती है, दे एग्जिबिट ए बेटर इंटरलॉकिंग इफेक्ट इन कॉन्क्रीट दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन स्ट्रेंथ अप टू 38% हायर देन द राउंडेड एग्रीगेट। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ तो अच्छी है ही है, अगर WC रेशियो जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो हम 0.4 से कम रखते हैं तो 38% ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है हमको एंगुलर एग्रीगेट्स के साथ। ठीक है ना, कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ 38% ज़्यादा मिलती है हमको। ओके, बट मेजर पॉइंट यही है हमारे पास कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा अच्छी होती है। क्वेश्चन 11, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ क्यूरिंग।
क्यूरिंग बेसिकली क्यों करते हैं, हम स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए करते हैं, और जो कंक्रीट की सरफेस है उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, जब तक कि वो स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर ले, उसको मॉइस्ट करके रखने के लिए क्यूरिंग करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग क्या है, टू कीप कैपिलरी पोर्स सैचुरेटेड, टू एंश्योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट एंड रिड्यूस द श्रिंकेज, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कॉन्क्रीट ड्यू टू इवेपोरेशन, सप्लाई एडिशनल मॉइस्चर टू एक्सेलरेट द गेन ऑफ स्ट्रेंथ। दो ही चीज़ है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, जूट बैग वगैरह यूज़ करते हैं, पॉन्डिंग क्यूरिंग है, बहुत सारे मेथड है, शेडिंग कॉन्क्रीट वर्क हो गया, कवरिंग कॉन्क्रीट वर्क बाई वेट जूट बैग्स, बहुत जगह करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली जो पिलर्स वगैरह होते हैं उन पर इस तरह की क्यूरिंग करते हैं। पॉन्डिंग मेथड तो बहुत कॉमन है, जो हम फ्लोरिंग रूफिंग करते हैं उसके ऊपर, बेसिकली स्लैब के ऊपर पॉन्डिंग मेथड यूज़ करते हैं। स्टीम क्यूरिंग, अगर आपको जल्दी अचीव करनी है स्ट्रेंथ को, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको स्टीम क्यूरिंग करते हैं। और क्यूरिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो बेसिकली क्यूरिंग कंपाउंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्यूरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 है, हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था सर एबल प्रोसेस के अंदर कि हम आस्क्यू ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। आस्क्यू ट्रीटमेंट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर अगेंस्ट द वाइट एंड, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द ट्रीटमेंट, ठीक है ना। शॉर्ट नोट का मतलब है यहाँ पे कि हमको वो जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर क्या क्या हम मटेरियल यूज़ करते हैं। देखिए, इट इज़ ए स्पेशल प्रिजर्वेटिव विच इज डेवलप्ड बाई मिक्सिंग ऑफ हाइड्रेटेड आर्सेनिक पेंटॉक्साइड। तो एक तो ये हो गया, इसका एक पार्ट, कॉपर सल्फेट लिया CuSO4, इसके तीन पार्ट, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7, ठीक है ना, इसके चार पार्ट, इनको 100 पार्ट ऑफ वाटर के अंदर मिक्स कर लेते हैं, और जो सॉल्यूशन बना है हमारे पास, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिकली आस्कू ट्रीटमेंट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को अप्लाई कर देते हैं टिम्बर के ऊपर, और वो बेसिकली क्या करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम क्या क्या यहाँ पर तीन चीज़ ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। कितना रेशो ले रहे हैं, मैंने वहाँ पे लिख दिया 1 part, 3 part, 4 part, और वाटर का 100 part, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो लास्ट क्वेश्चन है 5 mark कैटेगरी के अंदर, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब होता है मॉइस्चर को टिम्बर के अंदर से रिड्यूस करना। क्यों रिड्यूस करना, सो दैट कि उसको हम फर्नीचर या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ कर सके टिम्बर को, ठीक है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टिम्बर फ्रॉम पॉसिबल फर्मेंटेशन, मेकिंग इट सुटेबल फॉर यूज़। सुटेबल फॉर यूज़ का मतलब होता है कि हम उससे फर्नीचर, डोर, विंडोज वगैरह जो भी हमको काम करना है वो हम काम करने के लायक उसको बना सके। ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉइस्चर रिड्यूस करने से क्या होगा, श्रिंकेज रिड्यूस होगा, वार्पिंग, जो बेसिकली जो टिम्बर की सरफेस होती है वो इधर उधर से मुड़ जाती है, वार्पिंग वगैरह वो सब खत्म हो जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। रिड्यूस इट्स टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड डिके, मेक इट सुटेबल फॉर पेंटिंग, रिड्यूस इट्स वेट, ठीक है ना, क्योंकि वेट रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि टिम्बर जिसके अंदर मॉइस्चर होगा उसमें वाटर का भी वेट होगा, तो ज़्यादा होगा, और जो वाटर को हमने रिड्यूस कर दिया तो वेट भी रिड्यूस हो गया। तो स्टार्टिंग में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए 2 marks के, अभी नेक्स्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किए 5 marks के 13 क्वेश्चन डिस्कस किए, और जो तीसरी कैटेगरी है 20 marks की, वहाँ पे हम आगे के 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 20 marks क्वेश्चन को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़े आएंगे और जिसकी वर्ड लिमिटेड 200, 250, 300 तक आप लिख सकते हैं। ब्रीफली स्टेट दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेप्स इन प्रोडक्शन ऑफ टिपिकल ब्रिक अर्थ, ठीक है, ब्रिक अर्थ कैसे। अब अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो इसमें कई पेजेस भरे हुए हैं, मतलब 200 या 250 लाइन की वर्ड की बात नहीं है, वहाँ पे 2000 वर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसाइज करना पड़ेगा, और जो काम की चीज़ें उन्हीं को यहाँ पर लेके आनी पड़ेगी। तो ब्रिक मैन्युफैक्चर करने के 4 steps होते हैं। पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए यहाँ पे ये स्टेप है, 6 steps। पहला है अनसोलिंग, दूसरा डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। अनसोलिंग में क्या कर रहे हैं, जो क्ले की, जो सॉइल की टॉप लेयर है उसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है ना, सो दैट कि ऑर्गेनिक वगैरह वहाँ से रिमूव हो जाए, और ग्रिट वगैरह भी है वो भी रिमूव हो जाए, और वो जो सॉइल है, जो क्ले है, वो हम यूज़ कर सके किसके लिए,
ब्रिक अर्थवर्क के लिए, ठीक है ना। डिगिंग एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल मास करते हैं, क्लीनिंग देन अगेन वही क्ले को ऑप्टेन करने के लिए ऊपर से हम दोबारा अगेन क्लीनिंग करते हैं। वेदरिंग द क्ले इज देन एक्सपोज टू एटमोसफेयर फॉर सॉफ्टनिंग एंड मेलोइंग, ठीक है। एटमोसफेयर में रख देते हैं उस सैंपल को उठा के। ब्लेंडिंग इंटीमेट मिक्सिंग ऑफ क्ले सैंड एंड अदर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर गुड ब्रिक अर्थ, मतलब सारे मिक्सचर हमने बना लिया जितने भी तरह के हमको मटेरियल एक ब्रिक अर्थ बनाने के लिए चाहिए। टैम्परिंग नीडिंग द अर्थ, मतलब नीडिंग एक्शन बेसिकली क्या होता है कि उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, ठीक है ना, सो दैट कि सो एज टू मेक द मास स्टिफ एंड प्लास्टिक। टैम्परिंग इज नॉर्मली डन पग मिल, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना पग मिल का। तो यहाँ पे छह एक्शन हो गए। अनसोइलिंग में हमने क्या किया, बेसिकली अनसोइलिंग में हमने सॉइल की टॉप लेयर को क्लीन किया पेबल्स वगैरह से, ग्रिड से, ऑर्निमेटर से, उसके बाद हमने डिग किया, उसको एक्सकवेट किया। जब हमारे पास क्ले हमको दिख गई है उस सॉइल के सैंपल के अंदर से, तो उसके ऊपर के हमको दोबारा क्लीनिंग किया हमने, जो भी स्टोन्स वगैरह उसको हटा दिया। वेदरिंग के अंदर उसके बाद नेक्स्ट एक्शन है वेदरिंग, क्ले के सैंपल को निकाला, उसको सॉफ्टनिंग प्रॉपर होने के लिए हमने एटमोसफेयर में रख दिया। देन ब्लेंडिंग की, उसमें जो भी अदर मटेरियल थे जो मिक्स करने थे हमको एक ब्रिक अर्थ बनाने के लिए, वो हमने मिक्स कर दिया। टैम्परिंग के अंदर क्या किया हमने, नीडिंग एक्शन किया सो दैट कि वो ज़्यादा प्लास्टिक और स्टिप बन सके। तो ये पहला स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ठीक है। अभी तक हमने कोई क्लीन वगैरह या बर्निंग मेथड वगैरह कोई यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप है मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब है क्ले को एक प्रॉपर शेप के अंदर लेके आना, यानी मोल्ड के अंदर रखना क्ले को। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गिविंग अ रिक्वायर्ड शेप टू द ब्रिक फ्रॉम द प्रिपेयर्ड ब्रिक अर्थ। तो बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप के मोल्ड है, उसके अंदर हम इसको फिल कर देते हैं, ठीक है ना। हैंड मोल्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, मशीन मोल्डिंग, किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है थर्ड से ड्राइंग। जब मोल्ड हो गया तो उसको हम बेसिकली ड्राई करेंगे। द डैम ब्रिक्स इफ बर्नड आर लाइकली टू बी क्रैक एंड डिस्टोर्टेड, मतलब हम सीधी सी बात है कि अगर ब्रिक के अंदर मॉइस्चर होगा तो हम डायरेक्टली उसको बर्न करेंगे तो उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे, इसलिए हम उसको पहले ड्राई करते हैं, एयर ड्राई, ठीक है। उसका हम उसका एक तरीका होता है, ब्रिक के बेसिकली स्टैक्स बना देते हैं लॉन्जिट्यूडनली जो ओपन एयर के अंदर रखे रहते हैं ड्राई करने के लिए, ठीक है। द ब्रिक शुड बी अलाउड बट ड्राई टिल दे बिकम बोन ड्राई विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट 2% और सो, इससे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हम उसके अंदर अलाउ नहीं करेंगे। द टाइम रिक्वायर्ड बाई मोल्डेड ब्रिक्स टू ड्राई डिपेंड्स ऑन प्रीवेलिंग वेदर कंडीशन। अगर बहुत ड्राई कंडीशंस है, हीट अच्छी खासी है, तो 3 से 10 दिन के अंदर ड्राई हो जाते हैं। अब जब सारा काम खत्म हो गया, अब हम ब्रिक को बर्न करेंगे सो दैट कि वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर कलर, ठीक है ना, और प्रॉपर जो वर्केबल प्रॉपर्टी है उसको अचीव कर सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बर्निंग। नेक्स्ट ऑपरेशन है सिंस इट इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू ब्रिक एंड मेक्स देम डेंस एंड ड्यूरेबल। जैसा मैंने बोला, ब्रिक शुड बी बर्न प्रॉपरली। ब्रिक को बर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरह से बर्न कर सकते हैं, क्लैम्प बर्निंग और क्लीन बर्निंग, ठीक है ना। नॉर्मली क्लीन क्या होता है, लार्ज ओवंस होता है, बेटर देन क्लैम्प बर्निंग होता है। क्लीन बर्निंग के लिए हम बुल स्ट्रेंथ या हॉफमैन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास यहाँ पे चार स्टेप थे। पहले हमने क्ले को प्रिपेयर किया, फिर मोल्डिंग की यानी उसको शेप में ढाला, फिर उसको ड्राइंग की यानी एयर के अंदर ड्राई किया स्टैक लगा के, देन उसको बर्न कर दिया क्लीन के अंदर या क्लैम्प के अंदर, और हमारे पास ब्रिक प्रिपेयर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया कि ब्रिक को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, ब्रीफली डिस्क्राइब फॉलोइंग टेस्ट ऑन सीमेंट। यहाँ पे 3 टेस्ट है, सीमेंट के ऊपर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये 3 टेस्ट पूछा है कंसिस्टेंसी। ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट आरपीसी में भी आया हुआ है, बट टेस्ट हो सकता है कुछ दूसरे हो, इस बार इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस है। कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट एंड साउंडनेस टेस्ट, 3 टेस्ट हमसे यहाँ पूछे गए। तो पहला है कंसिस्टेंसी टेस्ट। आप सब लोगों को पता कंसिस्टेंसी मतलब कि सीमेंट के वाटर के साथ जो पेस्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। विकेट एपरेटस से हम फाइंड आउट करते हैं, विकेट एपरेटस, ठीक है। दी वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस टेस्ट ऑन सीमेंट डिपेंड ऑन नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट विच इटसेल्फ डिपेंड अपॉन द कंपाउंड कंपोजिशन एंड फाइननेस ऑफ सीमेंट, ठीक है ना। सीमेंट कितना फाइन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द टेस्ट इज टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पेस्ट, जैसा मैंने बोला ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज द परसेंटेज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सीमेंट पेस्ट, the viscosity of which will be such that the wicket plunger penetrate up to a 0.5 to 7 mm from the bottom of the wicket's mold।
5 से 7 एमएम का पेनेट्रेशन को वो सस्टेन कर जाए, दैट कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड नॉर्मल कंसिस्टेंसी, है ना, और दिस टेस्ट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, राइट। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, देखिए दो तरह का होता है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग जो होती है सीमेंट की वो जल्दी हो जाती है, फाइनल सेटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट एंड मिक्स प्रॉपरली द केमिकल रिएक्शन सून स्टार्ट एंड द सीमेंट पेस्ट रिमेन प्लास्टिक फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज पॉसिबल टू रीमिक्स द पेस्ट एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम पीरियड, जिसके अंदर हम सीमेंट के स्ट्रेंथ को या सीमेंट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। एक बार इनिशियली सेट हो गई सीमेंट, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बाद फाइनल सेट होगी सीमेंट, जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, हम कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं, उसकी पेस्ट बनाते हैं 0.85 P, यानी P क्या है, परसेंट ऑफ वाटर, इतना परसेंट हम वाटर मिला देते हैं 300 ग्राम के अंदर, 0.85 P, ठीक है। दिस पे जो पेस्ट आई है उसको हम विकेट मोल्ड, इसके लिए हम विकेट मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर फिल कर देते हैं, 1 cm by 1 cm उसकी निडल है, ठीक है। दिस निडल इज क्विकली रिलीज एंड इज अलाउड टू पेनेट्रेट द सीमेंट पेस्ट, टाइम विद रेस्पेक्ट टू निडल पेनेट्रेशन 5 to 7 mm, जो कि हमने लास्ट टेस्ट में किया था वही, 5 to 7 mm पेनेट्रेट होने के लिए जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड बेसिकली इनिशियल टेस्टिंग टाइम, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 ग्राम की सीमेंट ली, उसमें 0.85 P कंसिस्टेंसी के साथ वाटर मिलाया हमने, उसकी एक पेस्ट बनाई, पेस्ट को हमने एक सर्टेन एपरेटर जो विकट मोल्ड है उसके अंदर फिल किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक जो निडल है जो 1 cm by 1 cm जिसका क्रॉस सेक्शन है उसको हमने पेनेट्रेट किया, 5 to 7 mm पेनेट्रेट होने में जितना टाइम लगा निडल को, दैट टाइम इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, सेटिंग टाइम, राइट। थर्ड है साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कौन सा, लीच एटेलियर, ठीक। ये क्या काम आता है, टू डिटेक्ट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। ऑटोक्लेव से भी करते हैं हम, लीच एटेलियर से भी करते हैं। इन लीच एटेलियर मेथड सीमेंट पेस्ट ऑफ 100 ग्राम सैंपल इज प्रिपेयर्ड विद कंसिस्टेंसी ऑफ, यहाँ पे 0.78 P ले रहे हैं, पहले में कितना लिया था हमने 0.85 P, उस पेस्ट को हमने फिल्ड कर दिया 30 mm डायमीटर 30 mm हाइट के एक मोल्ड के अंदर, उस मोल्ड को उठा के वाटर के अंदर हमने सबमर्ज कर दिया एंड सम वाटर आफ्टर कवरिंग इट बाय ए ग्लास शीट एट 27 to 32 degrees centigrade टेम्परेचर, ठीक है ना। आफ्टर 24 आवर्स मोल्ड को हमने बाहर निकाला एंड डिस्टेंस सेपरेटिंग द इंडिकेटर पॉइंट इज मेजर्ड, देन अगेन दिस प्रोसेस रिपीटेड विद बॉइल्ड वाटर फॉर 3 आवर्स एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन इंडिकेटर, दोनों केस के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस रिप्रेजेंट द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, अगर सीमेंट साउंड होगी तो वो डिफरेंस नहीं आएगा। सिंपली क्या किया हमने, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 27 से मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का एक वाटर हमने लिया, उस वाटर के अंदर हमने क्या किया कि एक 100 ग्राम सैंपल की एक पेस्ट बनाई 0.78 P के साथ, ठीक है ना। उस पेस्ट को हमने एक 30 mm डायमीटर 30 mm हाइट के एक इंस्ट्रूमेंट यानी मोल्ड के अंदर उसको फिल कर लिया और उसको एक कांच की शीट से, ग्लास की शीट से कवर करके इस टेम्परेचर वाले वाटर के अंदर डिप कर दिया। डिप करने के बाद 24 घंटे के बाद हमने निकाला और दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमने मेजर कर ली इंडिकेटर पॉइंट्स की। फिर उसी को हमने उठा के दोबारा क्या किया, इस प्रोसेस को रिपीट किया, यानी हमने वही 100 ग्राम का सैंपल लिया, 30 by 30 mm का एक मोल्ड लिया, उसके अंदर उसकी 0.78 P से कंसिस्टेंसी बना के उसको फिल किया, फिल करने के बाद ग्लास शीट से कवर किया। अब हमने बॉइल्ड वाटर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के अंदर उसको इमर्स कर दिया 24 घंटे। अब हमने दोबारा उसको बाहर निकाला और इंडिकेटर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को मेजर किया। अगर दोनों यहाँ से जो इंडिकेटर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आ रहा है और यहाँ जो डिस्टेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट है। अगर वो डिफरेंस जीरो आ रहा है यानी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो सीमेंट इज 100% साउंड, ओके। तो ये 3 टेस्ट यहाँ से हमसे पूछे गए हैं जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। क्वेश्चन 3 है, देखिए ये अगेन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग्स। यहाँ पे 4 चीज़ें, बोक्स कंपाउंड, बोक्स कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, C3S, C2S, C3A, C4AF, ठीक है ना। लो हीट सीमेंट ए टाइप ऑफ सीमेंट है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बेसिकली सीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। बोक्स कंपाउंड, व्हेन रॉ मटेरियल आर पुट इन क्लीन देन 4 प्रिंसिपल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड बोक्स कंपाउंड, ठीक है ना।
पहला है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। C3A जो है बेसिकली सबसे जल्दी फॉर्म होता है 24 घंटे के अंदर, जैसे हमने वाटर को ऐड किया सीमेंट के साथ, और ये रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल सेटिंग एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। C4AF है, उसी के साथ साथ वो 24 घंटे लगाता है करीब करीब, ये भी C3A की तरह ही, ये लेस हीट जनरेट करता है एंड पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू, मतलब ये अनइम्पॉर्टेंट है। C3S है जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको एक सप्ताह लग जाता है फॉर्म होने के लिए जैसे हमने वाटर को मिक्स किया सीमेंट के साथ, और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन अर्ली पीरियड। और C2S है बेसिकली जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है, सबसे लास्ट में बनता है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ टू सीमेंट, यानी धीरे धीरे स्ट्रेंथ जो गेन कर रही है सीमेंट। तो ये चार जो है बेसिकली प्रिंसिपल कंपाउंड है, इसको हम बोक्स कंपाउंड बोलते हैं। बी पार्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट टेक प्लेस विच रिजल्ट लिबरेशन ऑफ हीट, ठीक है, जैसे हमने पानी को सीमेंट के साथ मिलाया हीट लिबरेट होगी, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। दिस प्रोडक्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इज रेफर्ड एज CSH मतलब कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, ठीक है ना। दिस हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, फाइननेस ऑफ सीमेंट एंड इंग्रेडियंट्स ऑफ सीमेंट। ओके, लो हीट सीमेंट बेसिकली क्या है, इट इज़ OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विद लोअर C3S, C3A एंड मोर C2S, यानी C3A कम होगा, ठीक है, C3A कम होगा और C2S मोर होगा, यानी जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ है जो धीरे धीरे टाइम के साथ गेन होगी वो ज़्यादा होगी। इट इज़ डिजायरेबल मास कॉन्क्रीटिंग सच एज इन ग्रेविटी डैम्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी डैम्स। इट पॉसेस लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैविंग इनिशियल सेटिंग टाइम अबाउट 1 आवर एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स, ठीक है। सो लो हीट सीमेंट इंपॉर्टेंट कहाँ पे, ग्रेविटी डैम की कंस्ट्रक्शन में, जिसमें हमको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, अर्ली स्ट्रेंथ हमको नहीं चाहिए। नेक्स्ट डी है इसमें, डी पार्ट क्विक सेटिंग सीमेंट, नाम से है जो जल्दी सेट हो जाए। जल्दी सेट होने के लिए बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर जिप्सम मिलाते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सीमेंट जिप्सम कंटेंट इज रिड्यूस करते हैं टू गेट द क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। जिप्सम बेसिकली क्या करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को एनहेंस कर देता है। तो हम इसको क्विक सेटिंग अगर हमको अचीव करना है तो जिप्सम को रिड्यूस करते हैं। इट इज़ फाइनर देन OPC, इसका इनिशियल टाइम 5 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। लो हीट में कितना था ये वाला टाइम था 5 मिनट की जगह हमारा करीब 1 घंटा यानी 60 मिनट, और ये 10 घंटे यानी 600 मिनट। इट इज़ यूज व्हेन कंक्रीट इज़ टू बी लेड अंडर वाटर और इन रनिंग वाटर। ऑब्वियसली बात है कि अंडर वाटर के अंदर हमको स्ट्रेंथ बहुत जल्दी अचीव करनी है, इसलिए सेटिंग टाइम बहुत कम होगा, इसलिए हम क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन में हमने क्या पूछा, चार अलग अलग शॉर्ट नोट पूछे थे। इन चार शॉर्ट नोट को 5-5 नंबर के क्वेश्चन में डिवाइड करके ही पूछा जा सकता है, बट 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4। ग्लास इज मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ मेटेलिक सिलिकेट्स, ठीक है, ग्लास के ऊपर कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है, छोटा क्वेश्चन आया है, बट मैं यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा, अगर इसमें से छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसी में से बनेगा। ऑन बेसिस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज क्लासीफाई ग्लासेस, 5-6 कैटेगरी है यहाँ पे, और भी तरीके के हैं बट यहाँ पे मैंने 5-6 कैटेगरी डिफाइन की है। पहला क्लासिफिकेशन है सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, पोटाश लेड ग्लास, पोटाश लाइम ग्लास, कॉमन ग्लास। सोडा लाइम ग्लास बेसिकली क्या होता है, सॉफ्ट ग्लास है, ठीक है ना, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट। बोरोसिलिकेट ग्लास क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ ओवन वेयर एंड अदर हीट रेजिस्टिंग वेयर, बेटर नोन अंडर द ट्रेड नेम पायरेक्स, ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास को पायरेक्स भी बोलते हैं। मेनली कंसिस्ट कर रहा है 70-80% सिलिका, 7-13% बोरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। पोटाश लेड के अंदर फ्लिंट ग्लास इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, मेनली मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सिलिकेट एंड लेड सिलिकेट। पोटाश लाइम ग्लास बेसिकली क्या है, बोमेन ग्लास भी बोलते हैं, हार्ड ग्लास है, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है।
कॉमन ग्लास बेसिकली क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, बहुत सारे। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हमको करना था ग्लास का, वो उसने पूछा कि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से आपको मेजरली क्लासिफिकेशन करना है। तो सोडा लाइम ग्लास जिसको बेसिकली कैल्शियम सिलिकेट प्लस सोडियम सिलिकेट, बोरो सिलिकेट ग्लास जो बेसिकली सिलिका और बोरिक ऑक्साइड से बनेगा, पोटाश लेड ग्लास जो बेसिकली पोटेशियम सिलिकेट एंड लेड सिलिकेट से बनता है, पोटाश लाइम पोटेशियम सिलिकेट से एंड कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, और कॉमन ग्लास के अंदर सब कुछ है, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, लेड सिलिकेट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5, ब्रीफली डिस्क्राइब फॉलोइंग्स। यहाँ पे फिर अलग हमसे चार टर्म पूछे, सेग्रीगेशन ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी बाय स्लम टेस्ट, इफेक्ट ऑफ डब्ल्यू बाई सी रेशियो एंड एफ आर सी, फाइबर रिइंफोर्स कॉन्क्रीट। ठीक है, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ये दो टर्म है। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट्स ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट। ठीक है ना, इट अफेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इन स्ट्रक्चर। ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग इन फ्रेश, जो बेसिकली मॉइस्चर ऊपर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग इन फ्रेश कॉन्क्रीट, रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर फ्री वाटर इन द मिक्स पुश्ड अपवर्ड टू द सर्फेस ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ हैवियर सॉलिड पार्टिकल। ठीक है ना, सेग्रीगेशन की वजह से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होती है, एडवर्सली अफेक्ट करता है। ब्लीडिंग की वजह से कॉन्क्रीट क्या लूज कर रहा है, इट्स होमोजेनिटी और परमेबिलिटी को लीड कर रहा है। ओके, डब्ल्यू बाई सी रेशियो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो नॉर्मल रेंज 0.35 से 0.65 है, मास ऑफ फ्री वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट इन अ मिक्स, एंड डब्ल्यू बाई सी रेशियो। ठीक है ना, एंड इट इज अ मेजर फैक्टर दैट कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ एंड मेनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, स्ट्रेंथ के लिए सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल है। अब्राम लॉ स्टेट दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कॉन्क्रीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डब्ल्यू बाई सी रेशियो, यानी जितना कम डब्ल्यू बाई सी रेशियो होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इंक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी बाई स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट बेसिकली कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, हम उस इंस्ट्रूमेंट्स में हम फ्रेश कॉन्क्रीट के ऊपर करते हैं बेसिकली। इन दिस टेस्ट ए मोल्ड ऑफ बॉटम डायमीटर 200 mm, टॉप डायमीटर 100 mm एंड हाइट ऑफ 300 mm इज फिल्ड विद फ्रेश कॉन्क्रीट। देखिए, इसमें स्लम टेस्ट के अंदर ये डायमेंशन नेसेसरी है, क्योंकि जो इसका रिजल्ट है ना, वो इस डायमेंशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। फ्रेश कॉन्क्रीट इन फोर लेयर्स एंड टैम्प विद 25 स्ट्रोक्स इन यूनिफॉर्म मैनर। आफ्टर द टॉप लेयर हैज़ बीन रोडेड, द कॉन्क्रीट इज स्ट्रक ऑफ लेवल विद द ट्रावल। नाउ मोल्ड इज रिमूव्ड इमीडिएटली बाय रेजिंग इट स्लोली इन वर्टिकल डायरेक्शन। इट अलाउज द कॉन्क्रीट टू सबसाइड एंड द स्लम्प इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ मोल्ड एंड दैट ऑफ हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्पेसिमन बींग टेस्टेड। सिंपल सी चीज़ है, एक सर्टेन जो डायमेंशन दे रखी है उसके मोल्ड के अंदर हमने फ्रेश कॉन्क्रीट को फिल कर लिया, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के साथ, और हमने उस फ्रेश कॉन्क्रीट को बेसिकली मोल्ड को वहाँ पे रखा टेबल के ऊपर, और मोल्ड को हमने पिक कर लिया। तो फ्रेश कॉन्क्रीट बेसिकली क्या है, सेटल होगी नीचे की तरफ, तो उस समय कितना सेटलमेंट हो रहा है और उसकी हाइट क्या है स्लम्प की, दोनों का जो डिफरेंस है वो स्लम्प को शो करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है FRC, फाइबर रिइंफोर्स कॉन्क्रीट। शॉर्ट नोट लिखना है हमको, कॉन्क्रीट कंटेनिंग ए हाइड्रोलिक सीमेंट वाटर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट एंड डिसकंटिन्यूस डिस्क्रीट फाइबर, राइट, सच एज स्टील, प्लास्टिक, ग्लास, नेचुरल मटीरियल इज कॉल्ड FRC। मतलब कॉन्क्रीट के अंदर हमने जो फाइबर मिक्स कर दिया है दैट इज कॉल्ड फाइबर कॉन्क्रीट। क्यों किया है, सो दैट कि कॉन्क्रीट टफर बन सके, मोर रेजिस्टेंस बन सके, ठीक है ना, बेटर प्लेसिबिलिटी हो सके, कॉम्पैक्टेबिलिटी हो सके। नॉर्मली इस तरह की जो कॉन्क्रीट होती है कहाँ यूज़ करते हैं, पाइप्स में, पैनल कंस्ट्रक्शन में, कर्टेन वॉल, प्रीकास्ट एलिमेंट, ठीक है ना, इस तरह की कॉन्क्रीट को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इसमें हमने चार अलग पॉइंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने थे हमको। इस तरह के क्वेश्चन देखिए RPSC में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि RPSC के अंदर क्या है कि ये जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन एक पूरा ऐसे प्रोसेसिंग के ऊपर नहीं बनेगा, जैसे ब्रिक अर्थ का एक क्वेश्चन बनाया वो बन सकता है, पर शॉर्ट नोट्स बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 marks कैटेगरी में, जो टिम्बर के ऊपर है। Describe defects in timber due to fungi and natural forces. Defects due to fungi. Fungi attack when timber have moisture content more than 20%. 20% से ज़्यादा moisture है तो ही fungi attack करेगी.
एंड देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर के बिना तो होगा ही नहीं। कौन कौन से डिफेक्ट हैं यहाँ पे? चार पांच छह तरीके डिफेक्ट है। ब्लू स्टेन, ब्राउन रोट जो पाउडर हो जाता है ब्राउन कलर का, ड्राई रोट, हेयर रोट, वेट रोट, ठीक है ना, ये हार्ट रोट है। ठीक, ब्लू स्टेन मतलब सैप ऑफ वुड इज स्टेन इन ब्लूइश कलर, ओके। ब्राउन रोट फंजाई और सर्टेन रिमूव सेलुलोज को रिमूव कर देता है और ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है जो वुड है। ड्राई रोट सर्टेन टाइप ऑफ फंजाई फीड ऑन वुड एंड ड्यूरिंग फीडिंग दे अटैक ऑन वुड एंड कन्वर्ट इनटू ड्राई पाउडर, ठीक है ना। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? जहाँ पे फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं है। हार्ट रोट इट इज़ फॉर्म व्हेन ब्रांच हैज कम आउट ऑफ अ ट्री एंड हार्ट वुड इज एक्सपोज टू द अटैक ऑफ एटमोसफेयर एजन, ठीक है ना, मतलब वो टूट गई है, जो ब्रांच है ट्री की वो टूट गई है और डायरेक्टली जो हर्ट है वो डायरेक्ट एटमोसफेयर के टच में आ गई है। वेट रोट सम फंजाइज कॉजेस केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड एंड कन्वर्ट इट इंटू अ ग्रेइश ब्राउन पाउडर, ठीक है। अल्टरनेट ड्राई और बार बार गीला सूखा हो रहा है उस वजह से इस तरह की कंडीशन होती है वेट रोट। तो ब्लू स्टैंड ब्लू कलर हो गया, ब्राउन रोट ब्राउन कलर का पाउडर हो गया, ड्राई रोट ड्राई पाउडर हो गया जहाँ पे फ्री सर्कुलेशन नहीं है एयर का। हार्ट रोट बेसिकली अगर एक ब्रांच वहाँ से टूट गई है तो जो हार्ट है उसका वो डायरेक्टली एक्सपोज हो गया एटमोसफेयर में। वेट रोट अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन की वजह से जो क्रिएट होती है सिचुएशन दैट इज कॉल्ड बेसिकली वेट रोट। तो ये तो फंजाई एक्शन हो गए। नेचुरल फोर्सेस की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं अब वो देख लेते हैं। देखिए ये सात कैटेगरी में डिफाइन किए। बर्ड्स, फर्स्ट डिफेक्ट, इट इज़ ए इररेगुलर प्रोजेक्शन फॉर्म व्हेन अ ट्री हैज़ रिसीव्ड इंजरी इन इट्स यंग एज, ठीक है। कॉलस, इट इंडिकेट्स सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर्स द वाउंड ऑफ अ ट्री। ड्रक्सीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नंबर क्वेश्चन में अलग से ही पूछा जा सकता है। इट इज इंडिकेटेड बाई वाइट डिकेड स्पोर्ट्स विच आर कंसील्ड बाई हेल्दी वुड। फॉक्सीनेस, इट इज इंडिकेटेड बाई रेड और येलो टेंज इन टेंग्स इन वुड राउंड द पिथ नॉट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोर्शन फ्रॉम वेयर ब्रांचेज और लिम्स आर रिमूव रिसीव्स न्यूरिशमेंट फ्रॉम स्टेम फॉर लॉन्ग टाइम एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डार्क हार्ड रिंग नॉन एज नॉट्स। जहाँ से बेसिकली ब्रांच वगैरह कट हो गई है वहाँ पर एक डार्क रिंग बन जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉट। रिंगल्स, पेक्यूलर कर्व स्वेलिंग ऑन बॉडी ऑफ टिम्बर नोन एज रिंगल्स विच नॉर्मली डेवलप एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्रांचेज आर इम्प्रॉपरली रिमूव, ठीक है ना। जहाँ से हमने ऐसे तोड़ लिया ब्रांच को वहाँ पे जो पोर्शन बन गया है दैट डार्क पोर्शन इज कॉल्ड रिंगल्स। बेसिकली एक स्वेलिंग पोर्शन बन जाता है जो थोड़ा सा बेसिकली स्वेल टाइप का हो गया वहाँ पे, ठीक है। शेक्स कई तरह के होते हैं। इट इज़ लॉन्जिट्यूडनल सेपरेशन इन वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स, इट रिड्यूसेस द अलाउेबल शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। काफ़ी टाइप के होते हैं, हार्ट शेक, कप शेक, स्टार शेक, रिंग शेक्स, रेडियल शेक्स, ओके। सो ये सेवन टाइप के डिफेक्ट्स है जो कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से होते हैं, ठीक है। बर्स यंग एज में हो रहा है, ड्रक्सीनेस बेसिकली हेल्दी ट्री के साथ हो रहा है, ठीक है ना, डिके हो रहा है। फॉक्सीनेस जो हो रहा है येलो टिंज बन रही है। नॉट्स जो हो रहा है बेसिकली ट्री को रिमूव हो गया एक पोर्शन, तब वहाँ पे एक पोर्शन जो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है जिस दैट इज़ कॉल्ड नॉट्स। रिंगल्स बेसिकली स्वेलिंग हो गई है अगर आपने प्रॉपर कट नहीं हुआ एक ब्रांच। तो ये सारे यहाँ पे डिफेक्ट है जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुए। तो यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किए छह क्वेश्चन है 20 मार्क्स कैटेगरी में, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर जो एपिसोड 13 है हमने पार्ट वन यानी T01 जो टॉपिक वन है इस सब्जेक्ट का, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो T01 एपिसोड में हमने बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट कर चुके हैं। जो कल हमारा एपिसोड 14 रिलीज़ होगा जिसके अंदर हम T02 यानी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट में पार्ट CPM की भी बात करेंगे जिसके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो हम नेक्स्ट एपिसोड 14 के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। वन मोर थिंग कि इस वीडियो के साथ इस जो यहाँ पे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इनकी PDF अटैच है इस वीडियो के साथ, आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद और PDF से आप उसको रिविज़न में आपको हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन जितने यहाँ पे मैंने समझाए हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के हिसाब से करके जाने, कुछ भी नहीं छोड़ कर जाना है। काफ़ी हद तक चांसेज है कि इसी के अंदर से एग्ज़ाम में आए, ओके। सो आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं अभी, कल हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।